जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको तीन तीन महीने का एक्सटेंशन जो ड्रामा इनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और डे फर्स्ट से पहले दिन से हमने इनकी सपोर्ट में हम रहे हैं और आज भी हम इनकी सपोर्ट करते हैं। अभी पता चला है कि कल भी हमने मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के LG साहब से प्रिंसिपल मैम से गुजारिश की थी कि इनको जो रिलीव किया है उस रिलीव ऑर्डर को वापस लिया जाए और इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। अभी ये पता चला है कि उन्होंने 7 तारीख तक इनको टाइम दिया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इनसे वादा किया है 7 तारीख से पहले इनका कंटिन्यूशन ऑर्डर जो है इशू कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम NHM एम्प्लॉइज के साथ प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के LG साहब मंत्री बन के काम कर रहे हैं उनको उससे बाज आना चाहिए और इन युवा के साथ जिस तरीके से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब वजूद में है, यहाँ एक्शन में है। अगर इन बच्चों के साथ 7 तारीख से पहले कंटिन्यूशन ऑर्डर नहीं निकलता है तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता NHM